पता है किसी भी डरावनी मूवी या डरावनी सीरीज को देखने का मजा कब आता है? रात को, और उसके बाद तुम जो है वो बाहर सुसु करने के लिए अकेले जाओ, तब पता चलता है कि वो मूवी जो थी या जो सीरीज थी वो डरावनी थी या नहीं। वैसे मैंने ये बात ऐसे ही बोल दी, इसका कोई मतलब नहीं है। नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में बात करने वाला हूँ हॉन्टिंग ऑफ हिल हाउस वेब सीरीज के बारे में। इसे आप नेटफ्लिक्स पर देख सकते हो। टोटल इसके अंदर 10 एपिसोड हैं और हर एपिसोड तकरीबन 1 घंटे का है, और ये सीरीज अब तक टोटल 10 अवार्ड जीत चुकी है। अब ये बात इसलिए बोली ताकि आप लोग इस सीरीज को हल्के में ना लो। तो अब इस सीरीज की कहानी की बात कर लेते हैं। एक परिवार एक पुराने घर में रहने के लिए जाते हैं जिसमें 5 बच्चे होते हैं, स्टीवन, ल्यूक, नील, थियोडोरा, शेरली, और इनकी माँ ओलिविया और इनके पिता ह्यू। और ये घर जो होता है वो हॉन्टेड होता है। अब हॉन्टेड का मतलब ये होता है कि दिन में तो कुछ नहीं करता, लेकिन रात को बच्चों को डराने के लिए तरह तरह की चीजें करने लग जाता है। स्टार्टिंग में धीरे धीरे हावी होता है बच्चों के ऊपर, उनको कभी कभी कुछ अलग आवाजें सुनाते हैं या फिर कुछ अजीबो गरीब उनको चीजें दिखानी स्टार्ट करते हैं। और इसे जिस तरीके से दिखाया गया है, जिस तरीके से इसने डायरेक्शन किया है, स्क्रीन प्ले किया, वो बहुत ज्यादा कमाल का, मतलब देखकर ही मजा आ जाता है। वैसे मैं आप लोगों को बता दूं कि इस सीरीज के अंदर जो कहानी है वो पैरेलल चलती हुई नजर आएगी। पैरेलल का मतलब हुआ कि एक साइड जो है वो अडल्ट दिखाए जाएंगे, मतलब ये जो बच्चे हैं वो बड़े होकर अपनी लाइफ जी रहे हैं, जो घर से भाग कर चले जाते हैं, तब इसकी इनकी एक लाइफ चली मतलब दिखाई जाएगी। और इनकी जो ये लाइफ होती है अडल्ट वाली, तो अपनी लाइफ में डेली लाइफ में कौन सी प्रॉब्लम को फेस करते हैं इस घर की वजह से, मतलब इनको दिन में मतलब रात के अंदर भूत दिखाई दे रहे हैं, इनको और कुछ प्रॉब्लम्स हो रही हैं, और ये जो चीजें क्यों हो रही हैं। साथ ही साथ एक पैरेलल स्टोरी के थ्रू आपको बताया गया कि बचपन में जब ये घर में जब वो हिल हाउस के अंदर थे तो इनके साथ क्या क्या चीजें हुई थी जिस कारण इनको ये सब चीजें दिखाई दी जा रही हैं। टेंशन ना लो, ये सब चीजें इतनी अच्छे से दिखाई गई हैं कि आपको 1% भी कंफ्यूजन नहीं होगी। और जब ये घर से भागकर बाहर आ जाते हैं तब ये घर इनको वापस बुलाने के लिए इनके साथ जो गेम खेलता है, इनके माइंड के साथ जो गेम खेलता है, वो यार कमाल का होता है। मतलब कोई ऐसा ट्रिकी गेम नहीं खेलता, वो डरावना गेम खेलता है। ऐसे इस सीरीज की कहानी को उन मूवीज की कहानी के साथ कंपेयर करने की गलती मत करना जिसके अंदर कोई परिवार जो मर गया है किसी घर में और उनकी आत्माएं भटक रही हैं और वो मतलब वो उनको डराने के लिए यूज किया जाता है। वो वाली कहानी इसमें बिल्कुल भी नहीं है। इस सीरीज के अंदर आप लोगों को एक डिफरेंट लेवल की कहानी देखने को मिलेगी। इसमें सस्पेंस है, हॉरर है, और साथ ही साथ जो होती है इसमें कहानी है। अब मैं ये बात क्यों बोली कहानी क्यों है, क्योंकि यार ज्यादातर हमने जितनी मूवीज जो ड्रावनी हॉरर जो मूवी या सीरीज जो हमने देखी होती उसके अंदर क्या होता है, एक व्यक्ति की मौत हो जाती है, व्यक्ति की मौत होने के बाद उसकी आत्मा भटकने लग जाती है, वो डराने के लिए मतलब अचानक से आपके सामने प्रकट हो जाते हैं। डराने के लिए ज्यादातर यही पैंतरा यूज किया जाता है, जैसे हम बचपन में लुकम छुपाई नहीं खेलते थे, जब होता ना धप्पा देना एकदम से अचानक से सामने आ जाना, वो डराने का पर्पज समझ लो यार, मतलब यही वो सेम कॉन्सेप्ट यूज करते आ रहे जो हमने आज तक देखा था। लेकिन इसके अंदर यार ऐसा कुछ भी नहीं है। इसमें जो कहानी है वो है ब्रिलियंट यार, इसको देखकर ही मजा आ गया। पता है आप लोगों को इस सीरीज की एक और सबसे अच्छी बात मुझे क्या लगी, वो ये कि जो इसके अंदर समय को लेकर यानी टाइम को लेकर जो चीजें इसमें दिखाई गई, और साथ ही साथ जो इसमें माइंड गेम खेले जाते हैं, जो दिमाग में भ्रम उत्पन्न किए जाते हैं, वो मतलब बहुत ज्यादा कमाल के थे। और देखकर जो उनको मजा आ रहा था, इंटरेस्ट पैदा हो रहा था, अट्रैक्टिव लग रही थी, वो यार मैं बयां करने के लिए शायद मेरे पास वो शब्द नहीं आ रहा, वो प्रॉपर वर्ड नहीं निकल रहा कि हाँ यार कमाल का, मतलब एक बार फिर से चुम्मेश्वर शब्द। और इसके अंदर साथ ही साथ जो करैक्टर जो इसके अंदर दिखाए गए उनको धीरे धीरे डेवलप करना, हर एक करैक्टर की अपनी अपनी कहानी बताना, वो बहुत ज्यादा कमाल का था। और इसके अंदर जो सीन दिखाए जाते हैं, फॉर एग्जांपल आपके सामने कोई एक सीन दिखाया गया, फिर थोड़ी देर बाद जो उसके पीछे का जो रीजन था, जो अगला सीन जो तो दिखाया जाता है, मतलब एक जो सीन दिखाया गया कुछ टाइम बाद उसका दूसरा सीन कुछ टाइम बाद दिखाया जाएगा, और एक दूसरे से कनेक्ट उनको ऐसे करके दिखाया जाएगा। ऐसे धीरे धीरे कहानी जुड़ती चलती है और देखकर मजा आने लगता है यार, कितनी खूबसूरती से डायरेक्ट किया गया है, इसको कितने प्यार से लिखा गया है, वाह यार। इसमें जो सबसे जो बड़ा लड़का होता है वो स्टीवन, जो कभी भी ये नहीं मानता कि भूत होते हैं, इवन उसने भूत देखे भी होते हैं, और कभी अपनी इसलिए नहीं मानता क्योंकि उसको लगता है कि यार ये भ्रम है, एक बीमारी है, और इस तरीके से वो अपने सच को ना वो नकारने की कोशिश करते हैं। और जो ल्यूक और नेल जो है, ये दोनों भाई बहन एक दूसरे के जुड़वा होते हैं, ये दोनों मानते हैं, और नेल को भी एक जो भूत दिखाई देता है, और सच में जो उसे लास्ट में लगभग लास्ट में जो पता चलता है नेल को, उसको किसकी आत्मा या फिर कहेंगे किसका भूत दिखाई देता था, जो ये वाला जो सीन दिखाया है ना यार, मेरा आंखें खुली की खुली रह गई, क्या जबरदस्त दिखाया यार, क्या कहानी बनाई, एक्चुअल में क्या चीज चल रही थी, वाह यार। अब देखो यार मैं नहीं बताने वाला क्योंकि मैं किसी का भी इंटरेस्ट खराब नहीं करूंगा, मतलब मन तो कर रहा है मेरा बताने का अंदर से, क्या कमाल की सीरीज है। तो अभी कंट्रोल कंट्रोल कंट्रोल।
छोटौरा के पास भी पावर होती है, लेकिन पावर होने के बावजूद उसे पता है कि उसको पावर कहाँ से मिली है। वो भी सच्चाई से भागती है, मतलब वो कभी भी स्वीकार नहीं करती कि एक्चुअल में ये सब चीजें हो रही हैं। और जो इनकी सब जो एक बहन होती है शेरलिंग, उसको भी पता होता है कि बचपन में उसके साथ क्या हुआ, उसने क्या देखा वहां पे, जो घर में उसने क्या महसूस किया। इसके बावजूद भी ये भी सच्चाई से भागने की कोशिश करती है। और अब जब इसकी एंडिंग की बात करें, देखा यार मेरा बहुत ज्यादा मन था इसकी एंडिंग की बात करने का, वो इसलिए क्योंकि यार जो हमने सोचा होता है ना, ज्यादातर हमने जो मूवी या सीरीज देखी होती है यार इसके अंदर ऐसे एंडिंग होगी, वो सारी की सारी एकदम विपरीत समझ लो यार, जो हमने सोचा वो बिल्कुल भी ऐसा नहीं होता। और जो इसमें दिखाया गया वो बहुत अच्छा था, हमें हमें यकीन होता है उस चीज़ के ऊपर, रियलिस्टिक लगता है। रियलिस्टिक का मतलब ये नहीं होता कि हम यकीन कर ले कि हाँ भूत हैं, बट रियलिस्टिक इस मायने में कि हम उस चीज़ को एक्सेप्ट कर पाते हैं, हमें समझ पाते हैं कि हाँ ये सब चीज़ें हैं और ये सब होना जायज है और इसकी एंडिंग को जस्टिफाई करती है ये चीज़। और अब अगर तुम सीरीज देखने जा रहे हो तो एक एडवाइस मेरी मानते जाना कि अपने दिमाग के जो चक्षु है ना उसे खोल कर बैठ जाना, कोई भी सीन मिस मत कर देना। अगर आपने मिस कर दिया उसके बाद जो भी कहानी दिखाई जाएगी वो आपके पल्ले नहीं पड़ने वाली, क्योंकि वो उससे कनेक्टेड है यार। और एक और खुशखबरी, खुशखबरी ये कि आप लोगों को हिंदी में डब मिल जाएगी। अब हिंदी डबिंग की बात करूं तो काफी अच्छी डबिंग है, कुछ भी ऐसा ऐरा गहरा इसके अंदर नहीं दिखाया गया। अब अगर परफॉर्मेंस की बात करें तो वाकई में बहुत ज्यादा कमाल की जो इन्होंने एक्टिंग की है यार, जो उनके जो टेंशन है, जो डर का जो एक एक्सप्रेशन देना होता है वो कमाल का। आप फेस देखोगे तो उनको आप लोगों को पता चलेगा यार इनकी फटी पड़ी है। तो मेरी तरफ से इस सीरीज को मैं देना चाहूंगा 9 out of 10 सर। अगर किसी ने सीरीज देख रखी है तो प्लीज कमेंट करके मुझे बताना कि आप लोगों को सीरीज कैसी लगी। अगर नहीं देखी तो जाकर देखो यार, एक हॉरर क्या होता है आप लोग सच में फील करोगे। वैसे मैं सच बताऊंगा यार मुझे इतना डर नहीं लगा, सच में मुझे डर नहीं लगा, मतलब मैं देखने के बाद बाहर सुसु करने चला गया था। ओहो ये लाइट लाइट ऑन कर, लाइट ऑन कर, लाइट ऑन, मतलब मैं समझ, मतलब आज के लिए बस इतना ही रखते हैं यार, मतलब मुझे डर नहीं लगा, ये कहना हूँ। खैर बस आज के लिए इतना ही था, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, जय हिंद।